हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर करने जा रही हूँ जो कि समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो आप इस हेयर पैक को कभी भी लगा सकते हो, लेकिन गर्मियों के लिए खास तौर से आज मैं आपको ये हेयर पैक बताने जा रही हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये हेयर पैक हमें कैसे तैयार करना है। गाइज, ये जो हेयर पैक है, इसके लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। आपको चाहिए दही, लेमन और हनी। जी हाँ, आपको सिर्फ ये तीन चीज चाहिए और इन तीन चीजों की हेल्प से आप ये इस हेयर पैक को आराम से तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। मैं यहां पर दही ले रही हूं, 3 चम्मच मैंने दही ली है। और दही फ्रेंड्स, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हो। अब मैं इसमें एक लेमन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें शहद ऐड करूंगी। मैं यहां पर डाबर हनी यूज कर रही हूं, आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर ये लगभग 2 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लिया है। अब मैं इस पैक को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हो, मतलब मिक्सी में अच्छे से चला लीजिए तो ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये जो दही का पैक है, ये मैंने अच्छे से इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है, ये रेडी है लगाने के लिए। तो चलिए, मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें तो बालों को अच्छे से कॉम जरूर कर लीजिए ताकि आपके बालों में कोई भी टैंगल ना रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अब अपने बालों को आप पार्टीशन कर लीजिए, उससे आपको इस पैक को लगाने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस पैक को अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लिया है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इसमें दही ऐड की है, तो आप जानते ही हैं कि दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दही से बालों की रूसी भी दूर होती है, बालों में चमक आती है, बाल मुलायम बनाते हैं दही, और दो मुए बालों की समस्या को भी खत्म करती है। नींबू की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नींबू में थियामिन, नियासिन, रिबोफ्लोविन, विटामिन B6, विटामिन ई और फोलेट जैसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और हमारी स्किन के लिए भी लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेमन का मैं एक और आपको यहाँ पर फ़ायदा बताने जा रही हूँ गाइस, कि लेमन अगर आप इसमें यूज़ करते हैं इस हेयर पैक में, तो आपको पसीने की दुर्गंध भी नहीं आती अपने बालों में से। आप देखेंगे कि बालों में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, यानी कि आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो उसको भी ये ड्राई बनाता है और उसको एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। तो नींबू भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके बालों में। शहद, अब मैं आपको शहद के बारे में बता देती हूँ कि मैंने शहद क्यों ऐड करा है इसमें। शहद ना केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन A, B, C और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि गुणकारी तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं गाइस। और शहद, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खाने में, यानी कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखिए, मैंने इस पैक को अपने बालों में अप्लाई कर लिया है और अब मैं इस पैक को आधे घंटे तक लगाकर रखूंगी और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लूंगी। और आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको धूप में भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है, ताकि आपको बिलीव हो सके। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की हेयर पैक रेमेडी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये मेरा हेयर पैक कैसा लगा, और अगर आपने इसे यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।